Thank <laughs> you.

दिस जो अभी आप लोग देख रहे हो ना नेक्स्ट जेन ये पांच छह महीने पहले ही विप्रो टीम के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया था कि हम लोग इसको मैंडेटरी करने वाले हैं जो लोग भी टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे हम लोग उसको टर्मिनेट कर देंगे और क्या सर ये जेन एन uh, जो ट्रेनिंग है वो सेम होने वाला एलाइट टर्बो के लिए डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा और ये बता दो विप्रो का ही नहीं अभी हर एक कंपनी लाइक ईच एंड एवरी कंपनी लाइक कैपजेमिनी मनी एस एचर टी सी एस ईच एंड एवरी कंपनी आर गोइंग टू गोइंग टू इन द फेज ऑफ जे क्योंकि जे ए आई अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट होटेस्ट ट्रेनिंग में बहुत सारी कंपनी बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रही है अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे लोग इंप्लॉय काम कर रहे हैं उनके पास भी जो है जे ए आई का मेल आता है कि प्लीज़ कंप्लीट दिस ट्रेनिंग एंड फिल अप योर चार्ज कोड वगैरह वगैरह तो दिस इज द हाउ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ़ दी इंप्लॉयज़ और न्यूली ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स थ्रू दिन काफी बोल सकते हो डोंट वरी अबाउट इट ओके सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस तो आपके पास जो मेल आ रहे हैं फिलहाल अभी जो इसके पास मेल आ रहे हैं विल एंड सिम

अगर आप लोग सिम में जाओगे तो यहां लिखा रहेगा सिम स्कूल ऑफ आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिम प्रोग्राम करेक्ट करेक्ट ओके आफ्टर दैट क्या मेंशन किया वो देखते हैं तो एज द नेक्स्ट स्टेप यू विल बी नीड टू अंडर गो दी एन एसोसिएट एनजीए प्री स्किलिंग ट्रेनिंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग विल बी वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ योर ऑनबोर्डिंग आर यू गेटिंग पॉइंट मतलब कि इसे क्लियर करना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मैंडेटरी है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग ऑन बोर्डेड मतलब अगर आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको आप आप बोर्डिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है और कंपनी आपको टर्मिमेट आप आप भी कर सकती है टर्मिनेट कैसे करेगी वो वीडियो के इन बताऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा आर्टिकल दिखाऊंगा ऐसा नहीं कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं ठीक है

प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस सर्वे लिंक पाई ट्वेंट जॉइन ट्वेंटी फर्स्ट कन्फर्मिंग योर एक्सेप्टेंस टू गो थ्रू द एनजे ट्रेनिंग वनस यू कन्फर्म यूर एक्सेप्टेंस यू विल रिसीव फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम डिटेल्स तो अभी तक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिटेल्स अभी आउट नहीं हुआ है तो मैं अभी आपको डिटेल्स के बारे में नहीं बता सकता बट हाँ ये क्या है क्यों है ये बता सकता हूं बट वंस दे स्टार्ट रिलीजिंग द ट्रेनिंग डिटेल्स डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू वॉइस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा आप लोग ज्वाइन हो जाना विप्रो एलाइट टर्बो का अलग ग्रुप है मेरे पास और विप्रो के सेम विल्प वेस वेम्स का अलग ग्रुप है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाना अगर आप में से किसी के पास ये मेल आता है सबसे पहले तो प्लीज आप लोग जो है उस ग्रुप में शेयर कर देना ताकि मैं आप लोग को भी अपडेट कर पाऊँ और आपके जो ग्रुप में पहले वो तो अपडेट हो जाए फिर मैं वीडियो बना के तो अपडेट कर ही दूंगा ताकि और भी न्यू न्यू लोग जो है इसमें ज्वाइन हो पाए और इसको कंप्लीट कर सकूं क्योंकि ये आने वाले दिनों में विप्रो के इलाइट टर्बो को भी ये जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि देखो नेक्स्ट जेने आई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि विप्रो को विलप को मिलेगा सिम को मिलेगा सर हम तो इलाइट टर्बो है हम लोगों को तो इससे ज्यादा बड़ा मिलेगा ये खुद ही बड़ा है

I understand that onboarding call will be only given to me if I successful clear the pre-screening training program that is assigned to me and this communication does not constitute an offer of employment. आप लोग समझ रहे हो ना पहले ही वो आपको agreement में yes करवा रही है because this is a mandatory to complete it. Are you getting my point? तो so ये आप लोग हल्के मत ले लेना ठीक है चलिए ओके okay, देखो यहां पर एक, एक है देखिएगा नल्लोर हर्षा वर्षा सिंह वेस्ट कैंडिडेट्स ना देख सकते हो वेस्ट

Uh, project Readiness Program is a program offered by Talent Information to all campus and off campus. Had preferred as an NGS next gen associate, the board object of PRP is quite to be NG will be necessary knowledge and a skills that will be enabled to start working on customer project Vipro said in a document review by business line.

एन ओके uh, uh, okay, तो आप लोग देख सकते हो मतलब ये जो चीज निकाला गया नंबर को कम करने के लिए निकाला गया बट ठीक है अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर अच्छे से क्वालिफाई भी कर लोगे अब बात रहा सर इसमें हम लोग क्या पढ़ना है क्या क्या सिलेबस रहने वाला है सब उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक विप्रो की टीम से कुछ देखो मैंने आपको पहले बताया था विप्रो का जो जेने आई विप्रो का छोड़ो जो जेने आई जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है अब कौन टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जब तक उनके टीम से हमारे पास कुछ अपडेट्स नहीं आएगा मैं आपको नहीं बता सकता अगर मैं बोलूंगा ये पढ़ो वो पढ़ो आप लोग पागल हो जाओगे मैं पढ़ूं क्या सर सर एक पर्टिकुलर देखो मैं आप पढ़ोगे सर हमें सब कुछ पढ़ना चाहता हूँ मुझे सब बता दीजिए ये पॉसिबल नहीं है आप लोग उतना ही पढ़ोगे जितना कि आप एग्जाम क्रैक करो टेस्ट क्लियर करो ताकि आप ऑन बोर्डिंग हो पाए गेटिंग पॉइंट तो वेट करो जब तक पेपरों की तरफ से कोई ऑनबोर्डिंग जो आ, प्रोग्राम डिटेल्स नहीं आते हैं क्या क्या टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है क्योंकि ये नया है दिस इज अव दिस इज अव अप्रोच ओके मुझे भी आइडिया नहीं कि मैं क्या दूं आपको है तो बहुत सारे टॉपिक बट क्या वो वो फिट हो रहा है मुझे नहीं पता तो देखो वेट करो पहले उनके पास से अपडेट्स आने तो जब हमारे पास आएगा मैं हूं यहां बैठा हुआ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा मैं आपको प्रिपेयर करता रहूंगा ताकि आप में से कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है कोई टर्मिनेट ना हो ठीक है तो मैं हूं यहाँ प्रिपेयर कराने के आप लोग को क्या पढ़ना है मैं इससे नहीं बोलूंगा कि कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या आपको बस वो सारी चीजें पढ़ो ये ये पढ़ो मैं कोई बताऊंगा ये ये पढ़ो इससे आप एग्जाम क्लियर कर लोगे दैट्स इट मुझे बस आपका ऑनबोडिंग करवाना है ये मेरा काम है ये नहीं कि आप बहुत कुछ पढ़ लो नहीं मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वेट करो उनका ऑफिसियल में बाकी मैं हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठा हुआ आपको मैं अपडेट करता रहूंगा ठीक है सो इसके अलावा कुछ डाउट से कमेंट पूछ लेना होप लेको अच्छा लगा फिर प्लीज आप लोग मैं इस मेहनत के लिए लाइक जरूर करना मिलता है